नवी नवेली दुल्हन तैयार बहू कुंवारी ये है चाचा मम्मी और ये है टॉई। तो हम चले गढ़वाल भाभी के वहाँ। ये है भैया लेकर पूनम भाभी चल पड़ी है। अब हम कुमाऊं से गढ़वाल की ओर जा रहे हैं। क्या हुआ क्या हुआ? यहाँ पर खड़ी है हमारी गाड़ी। यहाँ पर सारा सामान। ये मुझे आज ही पीछे बिठाएंगे मुझे लग रहा है। ऑल सेट चले फिर चलो चलो फिर कुमाऊं से गढ़वाल की ओर भाभी के मायके। भाभी का तो लुक ही चेंज हो गया प्रॉपर। ट्राउजर टी शर्ट सीधे साड़ी में छोड़ में संभालने वाली आ गई। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम सब जा रहे हैं भाभी के मायके। ठीक है कहाँ पर मायके? बैच बॉडी के गढ़ बॉडी गढ़वाल में बैच रो। ये देखो अब हम लोग करेंगे ऐसे नदी को। स्पीड में स्पीड में हम पहुंच गए हैं कन्या थोली रानी खेत। यहाँ से कितना दूर है भैया? यहाँ से अभी है तकरीबन बाप रे। आज भी सोते सोते जाना है हमको। अभी चाचा लोग गए हैं पानी वानी की बोतल लेने। सौरभ ठंगवाल और गांव का नाम अगर आप उत्तराखंड विजिट करेंगे हमारे यहाँ तो आपको मई अप्रैल मई में खाने को मिलेंगे। आप फेमस उत्तराखंड के काफल। तीनों के तीनों स्टार्ट हो रखे बाप रे खतरनाक। कद को देने छे बोला 100 रुपए की पन्नी। ओ भाई साहब बाहर के इतना तो बनता है यार। कितनी मेहनत कर रखी उन्होंने। पहाड़ी ले जाता है छोटी 200 दे दे दो क्या लिफाफा लग रही तू बोल लगा दे ना यार मैंने आपको बोला भाई गिर रहा है। तो आज हम अपने भाभी को खिला रहे हैं काफल। ने सालों बाद खा रही है काफल यहां पे। बहुत टाइम बाद बहुत टाइम बाद क्योंकि इस सीजन में काफल मिलते हैं और लोग जगह-जगह बेचते हैं पार्ट टाइम जॉब एज ए। क्या सो रहे हैं काफल? पापा का पूछा कि पीछे की सीट कहाँ गई तो उन्होंने बोला कि लंबी आदि। क्या बोला आपने दोबारा बोलना? लंबा दी मतलब गिरा दी। सिंपल बोलते लिटा दी। अब नहीं आ रहा मेरे को लंबा दिया। पहाड़ी भाई ये और इनकी लैंग्वेज भाई साहब बोल अपनी लैंग्वेज बोलना बोलना। इन भाई ऐसे नहीं होता वो ऐसे नहीं होता कुछ और ऐसे नहीं आता लड़कों की लैंग्वेज बोलो। अब ये नहीं आएगी जब आएगा वो फ्लो फ्लो में आता है। अभी हम पहुंच गए बिग स्किन के मेन मार्केट और भैया लोग गए हैं मिठाई लेने पूनम भाभी के परिवार के लिए। और ये चाचा उन्होंने ले लिया ठंड हो रही है मतलब यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है तो चलते हैं अंदर दिखाते हैं।
और ये है नए जोड़े। लुक होम स्टे, ये है रोहिता, यहाँ पर बर्डिंग के लिए आते हैं होटल में। ये होम स्टे, यहाँ होम स्टे कराते हैं अपने क्लाइंट्स का। हमें वहाँ नीचे आना है, इतने अच्छे एरिया में है ये, ठंडा ठंडा हो रहा है यहाँ पर सब। भाभी को अकेले छोड़ दिया। भाभी भाभी आपको अकेले छोड़ दिया। अब अपने मायके आ गए। सुन रहे हो, यही वह जगह है जहाँ भाभी से भैया बात नहीं करते थे, क्योंकि हाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आते हैं, नेटवर्क जोन के पार है। हम पहुंच गए मुल्क होम स्टे, यहाँ होता भैया का होम स्टे। वो देखो हैंड वॉश भी कर लिया। तो हम यहाँ खाना खाने के लिए रुके लंच के लिए, और भैया वहाँ बैठते थे, वहाँ लेटते थे, जो भी करते थे अपना कैंप वो लगाते थे टेंट। और यहाँ का व्यू इतना सुंदर, यहाँ से हिमालय भी दिखता है उस साइड से, यहाँ से हिमालय भी दिखता है। बहुत ठंडा एरिया है मानिला, और यहाँ नेटवर्क भी नहीं आते हैं, नेटवर्क जोन से बाहर है एरिया। बैठ गए खाने के लिए। क्या नेम आपका, क्या नेम है आपका? कार्तिक भट्ट। कौन सी क्लास में आप? फर्स्ट में। और ये गाना बहुत अच्छा गाता है, पता भी है? अभी गाना सुनाया, सुना दो। और मेरे को भी सुनाता है, जोर जोर से, बहुत ही अच्छी आवाज है उसकी। चल प्यार से गाना सुना दे फिर, चल बैठ के याद कर ले। हाँ तो याद तो कर ही लेगा। जुकाम आ रखा है, नखरे दिखा रहे बेटे, बहुत मारूंगा। चल 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 स्टार्ट हो जाओ। मैंने तो सुना है। झूठ कितना बोल दे रहा, पहले गाना नहीं आता क्या? सबको बताइए करे आराम। हो जाओ स्टार्ट, आओ आइए, पधारिए खाइए। चलो अब मिलते हैं हम लंच ब्रेक के बाद। और यहाँ आप सब जा रहे हैं भाभी के ससुराल मायके को। कैसा लगा आपको खाना? बहुत बढ़िया, स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट पहाड़ी खाना। और जाने से पहले तो टीका होता ही हमारे यहाँ पहाड़ियों में। यहाँ के सीन हो रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ ना, मेरे को यहाँ मजाक नहीं कर रहा, मजाक नहीं। इनको बनता है, इनको बनता है, इसको कोई, मुझे नहीं बनता, कोई नहीं बनता। तो फैमिली जैसे पूरे तो क्या बोल रहे हैं? अरे वो क्या बोल रहे भैया, आपने मुझे दिए हैं, थैंक यू। आपका खाना बहुत अच्छा था, बहुत 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 ज्यादा खाना बना रखा था आपने। अगर कोई माने लाए तो यहाँ तो जरूर स्टे करे, जरूर यहाँ स्टे करे, मुल्क होम स्टे पे जरूर स्टे करे। अगर कोई भी मानिला आता है तो आओ मानिला और यहाँ स्टे करो, और यहाँ का खाना जरूर खाओ। ये रहा मेन रोड और वहाँ से नीचे है, और यहाँ से प्रॉपर हिमालय दिखता है। अभी तो फिलहाल थोड़ी धुंध धुंध हो रही है तो नहीं दिख रहा, वहाँ पे हिमालय दिखता है। चलिए फिर, बाय बाय। क्या नेम है आपका? भूमिका भट्ट। बाय भूमिका, चलते बाय, थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय बाय। मुल्क होम स्टे से भाभी के मायके की, और अभी भी यहाँ से 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर है ना भैया? अभी भी यहाँ से 60 किलोमीटर है इनका गाँव। वहाँ पे कितना दूर रहती है ये? भगवान ने कहाँ जोड़ी में लाई थी यार, वो भी किससे, वो भी कितनी दूर।
उमरचूला मोलेखान। चलो अब डायरेक्ट में ब्लॉग शूट कर लें क्या हुआ भाई, अब बस की नहीं है अब इनके बाद शूट करना ठीक है। लिया इनके गांव किस साइड पर है वरना हम रास्ता भूपरी गए थे क्योंकि मैं भी इस रास्ते नहीं आई हूँ। और अभी जब मैंने यहाँ पे कैंप देखा ना, हम एक बार यहाँ कैंप में आए थे, ये जो यहाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती है कंपनी में, तब अब जाके पता चल रहा हाँ अब गढ़वाल आ गया वरना हम तो जंगल में ही खो जाते बाप रे। भूपरी गए थे हम तो, हम लोग यहाँ से सीधा निकलेंगे मैठाना घाट। मतलब मैं सोच रही थी कि मैं जोगीमणी वाला रास्ता देखूंगी बट नहीं, मैं उसी रास्ते जा रही हूँ। उसी रास्ते फाइनली हम गढ़वाल पहुँच गए हैं। मम्मी से कहीं दिखा रही सोफा पर उठी होगी, मैं भी तो सो रही हूँ, ज्यादा सो रही हूँ ना। तो मिलते हैं दिन के घर पर। भाई साहब गढ़वाल में अभी भी ऐसे घर हैं पाथर वाले, हमारे कुमाऊं में तो सबने छत वाले घर बना दिए भयंकर। तो ये है सीली गांव, कितना सुंदर लग रहा है ना लाइन वारी, पूरा पाथर वाले घर है देखो। अच्छा मजा आ गया, और कहीं प्रसाद मिला तो आनंद आ गया। अगर कभी भी मंदिर में जाते हाँ आनंद आ गया, मजा आ गया, आनंद आ गया। ये हमारे चाचा शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं, चाचा हाथ मिला दो इसी बात में। चाहते कि सोचा तो मजा तो गांवों को देखकर आ गया, वहाँ के घरों को देखकर। आपने फिर पत्थर वाला घर क्यों बनाया, मतलब ऐसे वाला छत वाला? छत वाला वैसा है क्योंकि हम पहाड़ी में जो है हुसुक ज्यादा होता है ना, हुसुक। हुसुक मतलब इतरात, जलन। देखा देख जलन नहीं देखा देख, बोला इसने ये जो कर दिया मैं भी करता। अब हम मेरे को तो वैसे ही बनाना था, हम तो नेता लोग हैं भैया हमारे। ओहो और ये नेता, ये है नेता नेतागिरी मेरे, इसने चाचा जी को बड़ा शौक है। कई लोग हमारे वहाँ आते हैं, कई नेतागण आते हैं, गणमान्य लोग आते हैं। वो लोग कहते हैं क्या इसका इसके पास तो मकान धंधा नहीं है। तो आप बोल सकते हो ना ये हमारे रिवाज है भाई। बर्डिंग देख रहे हो, यहाँ पे पांच चोकर मिल गए, कितने क्रेज है इनको अपने बर्डिंग का। यहाँ पे रास्ते में मिले पांच चोकर, चोकर पैटर्न दिख रहे हैं आपको देखो, और ऊपर से येलो थ्रॉटेड मार्टिन आ रहा था उनको खाने के लिए। अच्छा वो खा जाता है इनको? हाँ खा जाता है, खूब दिख रहा है आपका वाला। पांच छह है चोकर और मार्टिन भी था वहाँ पे, येलो थ्रॉटेड मार्टिन एक। धर 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 चाचा एक बार चलो आगे चलते हैं भैया, फिर तो आज करना वही वाली सुन देख आएगा वो। एक बार यहाँ भी लाना पड़ेगा, मैं भी पहले मार्टिन को देखा कितनी जल्दी आया, बहुत फास्ट था और बड़ा भी था काफी। तू थ्रो वॉल कूनू पील वॉल, पील वाले वो पीला काला का दो एक साथ जाते हो ऐसे ऐसे। हां वही तो कह रहा हूं, जहां उसकी पूंछ घुस गई तो वहां घुस गया समझो, मतलब और जहां उसकी पूंछ नहीं घुसेगी वो उसके अंदर नहीं जा सकता। अच्छा मतलब जो भी छेद हो छोटा सा भी देखना ऊपर, पूंछ घुस गई तो वो अंदर है, वो हाथ लगा के बैठा होगा पक्का देखना, क्योंकि उन्होंने ऊपर से उसने ऊपर से देख लिया ना वो। अब बैठा हां वो तो हम पहुंच गए भाभी के वहां बीरो खाल ब्लॉक में, ठीक है अब हम जा रहे हैं इनके गांव की ओर। जब सरकारी काम पड़ते हैं तब आते हैं वरना हॉस्पिटल है यहां नीचे। अपने आप ड्रॉप करने को है बैजरो बस 11 किलोमीटर। वाह वाह वाह, ये भाई साहब थक गए हैं ना, सफर करके थक गए हैं बहुत ज्यादा। हम 9 बजे से निकले हुए हैं और अब जाके हम पहुंच रहे हैं बैजरा, कितना दूर है यहाँ पर गढ़वाल ऊपर से आती रोड ऊपर। हम तो फाइनली हम पहुंचने वाले भाभी के गांव, मतलब भाभी के मायके, और हमें मिल गए भाभी के जेठिया जो सुरा सुर पैदल पैदल साइड साइड को चल रही थी। फिर भाभी ने पहचान लिया था कि ये इनकी जेठिया है, फिर हमने गाड़ी रोकी, फिर इनको बैठाया और भाभी को बैठी थोड़ा, तो जस्ट आई गया आप देख सकते हो कितनी खुश नजर आ रही है। तो ये है पूजा भाभी की शॉप और ये है इनका गांव। तो इधर आ गई टोना दीदी, हेलो टोना दीदी कैसे हो आप, और ये इनके हस्बैंड, खोलो कैसे हो आप। और बड़ी अरे मुझे खुशी देखो पूनम भाभी भाग कर जा रही है, खुशी अल्लाह बढ़िया तो छोड़ा गंदा बच्चा है। ओह और ये वही है जो शादी में आए थे हमारे वहाँ। अरे मेरे पैर तो छो, छोटे हो साली हो हमारी। अच्छा मेरे को सुनने पड़ेंगे क्या?
तो हम पहुंच गए हैं फाइनली इनके गांव, और यहां आ गए पुनीत और पुनीत के साथ के साथी। पुनीत बच्चा सा लग रहा है, छोटा सा। अब बाकी पीछे से आ रहे हैं। तो हम जा रहे हैं पूनम भाभी के घर, और मैं रास्ते मिली टोना दीदी, मैंने लिया हाथ में हील क्योंकि मुझे वो क्रॉस करना था रिवर, बोले तो गार्ड। तो फिर इनका जो घर है वो जो ग्रे कलर का दिख रहा है वो इनका घर है। और सबसे सरप्राइज की बात, इनका डॉगी इन्हीं को ही काटता है जिम्मी। गोभी वगैरह भी हो गई। चलो तो कैसा लग रहा है आपको अपने ससुराल आकर? झिकुड़ झिकुड़ हो रही, झिकुड़ झिकुड़। इनको बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही है, दिल में धुकुड़ धुकुड़। ओ भाई साहब, सब उतर के आ रहे हो, मारने आ रहे हो। सब इनको देखने के लिए आ रहे हैं ऐसे, क्योंकि टोना जी के हस्बैंड की तो पहले ही देख लिया है। अब इनका नंबर है, अभी थोड़े स्मार्ट से हैं, क्या करा चाहिए कुछ भी। और पीछे से आ रहे भाभी लोग और पुनीत।